आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और आपके साथ मैं हूं आज। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में लगातार बारिश अब लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। बारिश के चलते प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति निर्मित हो चुकी है। मंगलवार को रात भर हुई बारिश के बाद प्रदेश के मंदसौर जिले में कई गाँवों के तकरीबन 3500 लोग बाढ़ की चपेट में आ गए, तो वहीं उफनाते नाले की पुलिया धसकने से सेल्फी ले रहा प्रोफेसर का परिवार तेज बहाव पानी में बह गया। बता दें कि मंदसौर जिले में मंगलवार की रात हुई भारी बारिश के बाद मंदसौर और मल्हारगढ़ तहसील के कई गांव डूब गए हैं। भारी बारिश के चलते प्रोफेसर दंपति व बेटी सहित 4 लोग बह गए हैं, जबकि जलमग्न हुए गांव में फंसे 3500 से ज्यादा लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने निकाल कर राहत कैंपों में पहुंचा दिया है। वहीं सेल्फी ले रहे प्रोफेसर की पत्नी और बच्ची पुलिया धसकने से पानी में बह गई। पत्नी का शव मिल गया है, जबकि बच्ची की तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि यह हादसा उस वक्त हुआ जब प्रोफेसर आरडी गुप्ता अपनी पत्नी बिंदु व बेटी आश्रुति के साथ उफनाते हुए नाले को देखने पहुंचे और पुलिया के बीच खड़े होकर परिवार के साथ सेल्फी ले रहे थे। तभी अचानक पुलिया धस गई, जिसमें प्रोफेसर की पत्नी और बेटी बह गई, जबकि प्रोफेसर को स्थानीय लोगों ने बचा लिया। बताया जा रहा है कि बचाव दल ने मेघदूत नगर के पास नाले से उनकी पत्नी को बाहर निकाल लिया, जिनकी अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई, लेकिन बेटी का अब तक कोई पता नहीं चला है, जिसकी तलाश में रेस्क्यू अभियान अभी जारी है।